हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रखर वीआर व्लॉग। गाइज मैं अपने ग्लैमर एक्सटेक का जो पीछे का मोटर कार्ड होता है उसे निकाल दिया हूँ। मैं अपने भाषा में तो मोटर कार्ड ही बोलेंगे, और जो कंपनी के भाषा में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। ये इस पीछे का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी के साथ नंबर प्लेट और इंडिकेटर ज्वाइंट आता है, और इसीलिए नंबर प्लेट और इंडिकेटर इसमें लगा नहीं पाएंगे। यहाँ पर कोई होल करके भी नहीं लगा सकते हैं। और पीछे से लुक देख सकते हैं बाइक का, कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं बाइक का जो साथ में टायर मिलता है उसका, यहाँ पे 180/18 mm का जो टायर मिलता है। और अगर इसको बाद में अपडेट करके 120/80 जो होता हो, 120 के आगे या 140 वो वाला मोटा टायर भी लगाते हैं तो इजीली लगा सकते हैं इसमें। पर इसमें एक और चीज़, अगर छोटा वाला ये मोटर कार्ड लग जाता है यहाँ ऐसे वाला जो एक्सट्रीम में मिलता है तो बाइक का लुक और भी अच्छा हो जाता है, पर उसमें नंबर प्लेट और इंडिकेटर नहीं लग पाएगा, वही एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए जल्दी से बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर बाइक का साउंड सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं दिखाना भूल गया हूँ। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अपना दिमाग लगा कर इसको तो यहाँ पे सेट कर दिया हूँ जो सीट खोलने का है। और यहाँ से फिल्टर जो है, ये देख सकते हैं मेरा हाथ प्रॉपर अंदर चला जा रहा है, यहाँ से एयर फिल्टर जो है वो निकाल दिया हूँ। और बाइक अभी आपको जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। बाइक का जो फिल्टर निकालने के बाद, बाइक में लगभग 4-5 किलोमीटर चलाया हूँ, और बाइक को चलाने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और साउंड भी अच्छा आ रहा है। पर साउंड कब आ रहा है, अगर पांचवा गियर डालकर, आप पांचवा गियर डालो या तीसरा गियर डालो, गियर डालने के बाद अगर थर्ड गियर पर 30 का स्पीड रह रहा है, अगर 5वां गियर डालने के बाद 50 के ऊपर 60-70 अगर एक ही लिमिट पर चल रहे हैं तो उस टाइम आपको साउंड पता ही नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, जब फर्स्ट गियर डाल के एक्सीलेटर लेंगे बाइक का, और फिर तुरंत क्या करेंगे सेकेंड गियर डालेंगे फिर से एक्सीलेटर लेंगे, उस टाइम बाइक का जो साउंड है काफ़ी बढ़िया लगेगा। चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको साउंड सुनाते हैं। वीडियो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ख़त्म करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं इसको भी खोल रखा हूँ, मिरर हटाकर बाइक का लुक ही अलग लगता है। और मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या करने का, ये हैंडल जो है इसका चेंज करवा कर कुछ और बड़ा सा हैंडल लगवाने का जो काफ़ी अच्छा लगे, और हैंडल बार चेंज करवाने का सोच रहा हूँ। और दूसरा बाइक में क्या हजार्ड कुछ और अपडेट करके कुछ नया लुक लगाने का सोच रहा हूँ, बाइक में कुछ नया लुक आ जाए ऐसा कुछ करने का। चलिए सेल्फ यहाँ पर, अरे भाई सेल्फ मारते हैं, बाइक स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर साउंड सुनाते हैं। पहले माफ़ी चाहता हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है फ़ोन हिल जाए, पर आपको यहाँ से साउंड सुनाई देगा। बस थ्रोटल देते टाइम जो साउंड आ रहा है वही स्पोर्टी साउंड और वही साउंड अच्छा लग रहा है, पर थ्रोटल देने के बाद जैसे साउंड ख़त्म हो जाएगा, मतलब थ्रोटल दिए उसके बाद रुक गए तो जो वाइब्रेशन आ जाएगा उससे साउंड नहीं है। थ्रोटल से साउंड कब आएगा, फिल्टर से एकदम से झटका देने पे, और झटका देने के बाद फिर से वो बंद हो जाएगा। तो आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप निकाल कर चेक करें ये बैक का सब कुछ। बाइक जैसा है वैसे ही रहे, सीट खोले, फिल्टर निकाले, फिल्टर को रखे साइड में, और ऊपर का ढक्कन भी इसका जो है कवर उसको भी नहीं लगाना है। और सीधा मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ यहाँ से इसको कैसे खोलेंगे, यहाँ से खींच कर देखते हैं कैसे खुलेगा ये। इसका चाबी से खोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इतना अंदर लग गया है ना, अब खुल जाएगा, नहीं उठाना पड़ेगा। खुल गया, अब दिखाते हैं ये खुलने के बाद जो है ऐसा आएगा, अंदर देख सकते हैं गंदा भी है, पता नहीं ये किस टाइप का कीड़ा है अंदर, पता नहीं, पर इसको पेचकस से हटाएंगे, हाथ से तो छूने वाले हैं नहीं, गंदा लग रहा है देखने में। इसमें अगर पानी डालना होता तो पानी से धो देते, पता नहीं इतना गंदा कैसे हो गया है। और ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद बंद करके स्टार्ट करेंगे। अब चलिए आप खोल ही दिए तो खोलने के बाद भी आपको इसका साउंड सुनाते हैं। चाबी को निकालते हैं, बाइक को करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं
मैंने YouTube पे देखा था, इसका जो गंदा हो जाता है ये वाला पार्ट, तो इसको पोंछकर पानी से साफ़ करके इस पे वैसलीन लगाने से जो है चमक जाता है। जब मैंने वैसलीन लगाया उस टाइम तो अच्छा खासा चमक रहा था, पर जैसे ही वैसलीन का पावर ख़त्म हो गया ये भी गंदा दिखने लगा। सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और कंपनी वालों को इसको इसमें सुधार करना चाहिए। इसको प्लेन देते, ऐसा देते ना तो साफ़ करने में ईजी होता है। अब ऐसा में ये साफ़ भी नहीं होता है, गंदा लगता है। चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे माइक जो है फ़ोन का लगाकर आपको साउंड सुनाएंगे। एकदम झटका से जो थ्रोटल दे रहे हैं उसका साउंड जो आ रहा है वही साउंड अच्छा लग रहा है। चलिए वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।